ये पूरा गोल्ड से देखिए यहाँ पे लगा हुआ स्टैचू और नाइट में व्यू देखिए आप गोल्डन टेंपल का। तो नाइट में बहुत ज्यादा रश है तो काफी लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। और ये देखिए तो आज हम लोग आ गए हैं अभी गोल्डन टेंपल, तो आपको दर्शन कराएंगे आज गोल्डन टेंपल के। तो ये है नाइट का व्यू, देख लीजिए अभी करीबन 10 बज चुके हैं और काफ़ी चहल पहल और काफ़ी लाइट है यहाँ पे। तो सामने का व्यू बहुत अच्छा है गोल्डन टेंपल का, तो आपको दिखाते हैं आज गोल्डन टेंपल। ये देखिए नाइट में सब लोग यहाँ पर और कितनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पर। तो करीबन आधा किलोमीटर दूरी पार्किंग है यहाँ पे और उसके बाद आप वॉकिंग करते हुए चले जाइए, पैदल चलते चलिए क्योंकि रास्ता इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है तो आप घूम सकते हैं पैदल। और ये स्टैचू आ चुका है यहाँ पे देखिए सामने, वो तो बहुत अच्छा सर्कल इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देखिए ये है पार्किंग यहाँ पे, तो यहाँ आपकी गाड़ी लग जाती है और उसके बाद आप यहाँ पर पूरी मार्केट को देखते हुए चलिए आगे। और जलियांवाला बाग भी यहाँ पर है। चलो ये रिक्शा भी आती है तो यहाँ से मेन अब स्टार्ट हो जाती है मार्केट और आगे गोल्डन टेंपल देख सकते हैं आप। तो पूरी सर्विस है यहाँ पे आपकी, तो सर्विस लीजिए रिक्शा की और आइए अंदर। और ये रात भर चलता है गोल्डन टेंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं आके। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं तो देखते हैं एक बार। दो 150 की कितनी देर तक भाई? देखो कितनी बढ़िया लाइट मिल रही है, कितनी देर तक? 10-10.5 तक। ठीक है या फिर तो आधा घंटा तो दो ले लो फिर भाई, जैसा भी ले लो। हमने ले ली अभी यहाँ पे परचेज कर ली है, दोगे किस चीज में? कैरी बैग में डाल दो, डाल दो यार डाल। तो फुल भीड़ है, नाइट में भी देख सकते हो बहुत ज्यादा रश है यार, बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे। तो देखो सब जगह आपको मिल रहा है। तो चलो पहले करते हैं दर्शन और गोल्डन टेंपल में मत्था टेकते हैं, उसके बाद कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे अगर समझ में आया तो। देख लो ये दुकानें यहाँ पे इस तरह की, तो जूती और खाने पीने का मिलता है तो देखते हैं, जूती वगैरह भी देखेंगे। सुनील भाई ना बहुत डरते हैं, वो कह रहे हैं कि एक घंटा लगेगा, तुम बैठो, मन तुम जाओ मैं बैठूं, मैं क्यों बैठूंगा, मैं जाऊंगा। और ये मना कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। और यार देखो कहीं इतनी दूर आते हैं तो इसी बंदा लाइन पे तो दर्शन करके जाओ, तो दर्शन कराने सुनील भाई को भी मतलब देखते हैं। हम लोग बहुत बार आगे लेकिन दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आज हमने सोचा यार रात में चलो दर्शन ही कर लेते हैं एक बार, तो दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। पूरा इस तरह से ही रौनक बनी रहती है यहाँ पे और चलते रहो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, घूमते रहो और चलते रहो। तो चल रहे हैं और आप भीड़ देख ही रहे हो और 10:30 होने वाले हैं अभी। ये देखो यहाँ मैकडोनल्ड ऊपर खुला हुआ है, तो मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, बहुत अच्छी मार्केट है। तो देखेंगे अभी किस तरह की मार्केट है। हमने आ गया जलियांवाला बाग, तो ये नाइट में अभी क्लोज हो गया है, तो नाइट में अभी बंद है ये। और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे राइट और वो आ जाएगा गोल्डन टेंपल, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये है जलियांवाला बाग का स्टैचू, तो आपको पता ही होगी इसकी हिस्ट्री। तो नाइट में तो बंद है, यहाँ से इसका गेट है तो मॉर्निंग में ओपन हो जाता है। तो अभी हम वहाँ से आए हैं
और ये पूरी मार्केट ही मार्केट है और वो है गोल्डन टेम्पल। तो अभी चलते हैं गोल्डन टेम्पल की साइड और आप देख सकते हैं नाइट में कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो दिन में बहुत गर्मी होती है तो हम रात में ही दर्शन करने आ गए और ये रात भर चलता है। तो पूरी मार्केट है पूरा गोल्डन टेम्पल के पास, तो रात में भी दुकानें खुली हुई हैं। और बस पहुंच ही गए, सामने आ गया है गोल्डन टेम्पल। श्री शनि देव जी का मंदिर है, 1761 बहुत पुराना मंदिर है यार ये। ये संगत आराम कर रही है यहाँ बाहर भी बैठ, और आज गर्मी ज़्यादा नहीं है क्योंकि कल बारिश हुई थी तो सब लोग बाहर आराम कर रहे हैं। देख लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो एक बार देखना पड़ेगा। और मैन दरबार के मुख्य द्वार पर, तो अभी कर लेते हैं गोल्डन टेम्पल के दर्शन। बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है मैन दरबार, देखिए आप दर्शन कर लीजिए गोल्डन टेम्पल के। शूज़ हमने रख दिए साइड में ही, शूज़ के लिए हैं यहाँ पे काउंटर। और अभी हैंड वॉश करते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं दर्शन आज गोल्डन टेम्पल के। तो फिलहाल हाथ धोते हैं यहाँ पे और LED लगाई है बहुत बड़ी, चलो हैंड वॉश कर लेते हैं। पटका हम लोगों ने बांध दिया है, अभी चलते हैं अंदर। ये है मेन गेट, अभी चलते हैं अंदर, फिसल ना जाए, धीरे धीरे चलते हैं। और ये देख, तो थोड़ी देर में आपको दर्शन हो जाएंगे गोल्डन टेम्पल के। और रात में देखो कैसा चमक रहा है। ये पूरा गोल्ड से बना हुआ है। और ये देख, ये लो जी आगे हम गोल्डन टेम्पल, और आप देख सकते हैं इसका सरोवर और गोल्डन टेम्पल की ब्यूटी। तो इतना सुंदर नज़ारा आपने नहीं देखा होगा। तो ये है सरोवर और इसमें बहुत मछली होती हैं, बहुत सुंदर है ये। तो चलते हैं अंदर, अभी दर्शन करते हैं। और नाइट में आप देख रहे हो किस तरह से गोल्डन टेम्पल चमक रहा है। चलो ये भी चलते हैं उधर से जाएंगे और फिर दर्शन करेंगे वहाँ। वो मेन गोल्डन टेम्पल है तो उसके अंदर जाके मत्था टेकेंगे, दर्शन करेंगे। और अभी चलते हैं साइड से, तो सब लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं। खालसा वाहेगुरु दी फतेह। तो देखो यार कितना सुंदर पूरा सरोवर चमक रहा है रात में, लाइट जो रिफ्लेक्ट है ना वो पूरा रिफ्लेक्ट पड़ रहा है गोल्डन टेम्पल का। और ये पूरी जो ऊपर की जो परत है वो सोने की बनाई गई है। ये तो यहाँ से हमने एंट्री की थी और ये पूरा यहाँ पे गोल्डन टेम्पल का दरबार। सावट करते हैं, लाइन लगी हुई है लेकिन जल्दी से दर्शन कर लेते हैं हम लोग। तो साइड से आ गए हम, कितना काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो देख सकते हैं अब हम जा रहे हैं लाइन में लगने, और वीडियो अंदर वो बनाने नहीं देंगे क्योंकि अलाउड नहीं है सिक्योरिटी पर्पज से भी। और काफ़ी टाइम से ना अंदर मोबाइल में वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मना किया हुआ है। तो बस एक बार अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो आपने देख ही लिया कितना सुंदर है गोल्डन टेम्पल, लाइन देखिए आपकी यहाँ से जा रही है और पूरा वहाँ तक। तो अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, हम दर्शन कर लेते हैं। पूरा लाइन है यहाँ पे, पूरा लाइन, और ये वहाँ तक जा रही है बाहर तक।
और देखिए यहाँ पे संगत बैठी हुई है, पालकी आ रही है यहाँ पे। ये देखिए गुरु उद्धव साढ़े दस बज चुके हैं देख सकते हैं आप, और अभी कहीं अब धीरे धीरे लाइन खुलेगी। पानी की सेवा हो रही है। तीसरा चांद और ये है गोल्डन टेंपल। तो कितने प्यारे दर्शन आपके लिए गोल्डन टेंपल के और सरोवर के। फाइनली दर्शन हमने कर लिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। तो ये गोल्डन टेम्पल मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं। तो दर्शन करके चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं, अगर कुछ समझ में आया कुछ आपको भी अच्छी लगी होगी वीडियो। चलते हैं बाहर एक बार मार्केट देखते हैं कहीं क्लोज ना हो गई हो। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लेट तक मार्केट खुलती है। ठीक है, सब लोग सेवा कर रहे हैं, सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है गुरुद्वारे के अंदर। और ये तो गोल्डन टेंपल है अमृतसर का, मिल ही जाते हैं पटके, यहाँ से लीजिए पहनिए और अंदर चल दीजिए दर्शन के लिए। देखो मस्टर्ड कलर देखते हैं भैया, ये कुर्ती है, सिर से लाना पड़ेगा ना, अनस्टिच है ना, हेलमेट है की सारी, सारी हेलमेट कुर्ती है, हेलमेट हैंडमेड 950 का है ये सिर्फ कुर्ती। और ये 1050 का कोट है, थ्री पीस है। सिलवाना ही पड़ेगा सर, कपड़ा यहाँ का फेमस है, पंजाबी सूट बनाओ पटियाला ड्रेस बनाओ जो मर्जी है। ये साथ में इसका सलवार का यहाँ पे चुनिया मिलनी है बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे दुपट्टे ग्रीन कलर का ये है और जूती भी मिलनी है यहाँ पे बढ़िया शानदार। ये देखिए यहाँ पे तो बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ मार्केट में, और रात के 11-12 बजे तक मार्केट खुली रहती है। और यहाँ पे मिलनी थोड़ा से बैठ के डिनर के लिए, और हमारा आ रहा है डिनर और हमने मंगाए अमृतसरी कुलचे। तो छोले का टेस्ट इनका बहुत बढ़िया होता है, पहले मैंने टेस्ट किया उसके बाद ऑर्डर किया, तो अभी आ रहा है वेट कर रहे हैं। हमारा अमृतसरी कुलचा एंड छोले, और ये रायता है ना, रायता छिलके वाला।